गांधीनगर थाना पुलिस व जिला स्पेशल टीम ने अजमेर एसपी देवेंद्र कुमार विश्नोई के निर्देशन में संयुक्त कार्रवाई करते हुए मार्बल सिटी अस्पताल के बाहर एचडीएफसी बैंक के एटीएम से लूट की वारदात का आखिरकार खुलासा कर दिया। एटीएम से 4,73,000 रुपए की लूट का हुआ खुलासा। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लूट को मेवात की मेव गैंग ने अंजाम दिया था। आरोपियों ने यूट्यूब पर गैस को नियंत्रण कर एटीएम को काटना सीखा था। आरोपी बस में आते किराए की गाड़ी से वारदात करते, इसके बाद अपने गांव चले जाते। पुलिस ने 20 दिन में वारदात का आखिरकार खुलासा कर दिया। हालांकि आरोपियों से कोई नकदी पुलिस बरामद नहीं कर सकी। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कार भी जब्त की है। अजमेर एसपी देवेंद्र कुमार विश्नोई के निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 14 अगस्त को गैस कटर से एटीएम काटकर 4,73,000 रुपए की हुई थी लूट। आरोपियों की पहचान के लिए, आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमों ने जगह जगह दबिश दी। यूट्यूब से सीखा था एटीएम मशीन को काटना। गांधीनगर थाना प्रभारी सुरेश सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा के नेहू ओथा मस्जिद के पास निवासी जान मोहम्मद उर्फ फिरोज, कामा के उदका निवासी साजिद मेव व तिजारा थाने के सिरोही कला निवासी रशीद मेव उर्फ यूसुफ को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि यूट्यूब से एटीएम मशीन काटने का देखा था तरीका, ताकि काटने के दौरान नोट नहीं जले और रकम वे खुर्द बुर्द कर सके। पुलिस को आरोपियों की पहचान के लिए जगह जगह दबिश देनी पड़ी। घटना के बाद गांधीनगर थाने के 8वें स्पेशल टीम के 4 लोगों ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी वारदात के बाद अपने गांव निकल जाते थे। पुलिस टीम ने कार्रवाई कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जैसे उन्हें 3 दिन के रिमांड पर सौंपा है। पुलिस कर्मियों में स्पेशल टीम के हेड कांस्टेबल देवेंद्र सिंह, आशीष गहलोत, कांस्टेबल करतार सिंह कालूराम अभय व गांधीनगर थाने पुलिस के सुरेंद्र हनुमान गजानन, संपत पूरण मोहनपुरी सहित पुलिस टीम मौजूद रही। पुलिस ने बीटीएस डाटा जांच सहित अन्य तकनीकी सहायता से आरोपियों को किया गिरफ्तार।